पहले नहीं जी पैसा में लागया करता है ना के सिफारिश लागया करती बड़ी बड़ी अपने मन में आती उस तरह लगाया करता है। हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं कुछ नहीं करवाया हूँ, नाम नाम किरण है और कुछ भी नहीं। सब विपक्ष आप भाई विपक्ष में कभी सहयोग नहीं जीते सहयोग नहीं कल तो ले भाई कोई आपको मिशन ले कोई कर भी दें दो और छोड़ भी हो जाती है ना आपकी जिस तरह भाई सिफारिश लगा ले इस तरह ये गल गल हंडी रंदे रिस पतली कुछ किसा बालक को लागा नहीं बिना रिस पतल लाग रही बालक नौकरी। राम राम भाई साहब बताते भाई शुभ नाम भाई कप्तान साहब भाई कप्तान हाँ ले भाई नाम तो कुछ पता ले रहा है तो अब चुनाव है एमपी के के देखो इस बार प्रधानमंत्री बहुत दिन है देखा भाई कारण कारण काम बहुत बढ़िया बढ़िया कर रखे सब कुछ है भाई मोदी है तो सब कुछ है मोदी तो सब कुछ है जो आगे हो रहे ये थोड़ा ईसा के कर दिया था मोदी ने सब कुछ कर रखे है भाई गरीबा खातर के करवा दिया सब कुछ कर रखे है फिलहाल तो सिलेंडर दे रहा क्या पानी दे रहा क्या राशन फ्री देने ला रहा आयुष्मान कार्ड पे बीमारी इलाज फ्री होना है आपके मतलब परिवार में घर में रिश्तेदारी गाने है कि मेरा तो दोनों मेरी आई बन रही घर वाली जी बन रही आयुष्मान कार्ड ने आयुष्मान कितने बनवाए थे अंकल जी आपने भिवानी दीर के अच्छा तो फिर कितना बचत होगी उससे आयुष्मान कार्ड था तो घनी होगी एक आध के 30-40 हज़ार ले ले है और दोनों मेरी बन रही दोनों मेरा घर वाली की बन रही के कुछ करता फिर तो जमाए मतलब मालूम ना किराया ला गया और किन्नी को ला गया को ला गया किन्नी को मतलब 500 रुपया मैंने मोटा मोटी 500 रुपये लेके चलो 500 रुपये बनवाया आप दोनों जने हाँ दोनों आए उसके दोनों मेरी तो फिर इन चीज़ें देख के लग गए भाई मतलब तीसरी बार देश ने विश्वास करना चाहिए मोदी जी हाँ अब ये होगा अब ये होगा क्यों ये विपक्ष रहा ये सारी पार्टी इकट्ठी होगी तो क्यों कहने के इसे काम इसे कर अच्छा इसे जो काम इसने कर दिया फिर मोदी की तान बच जाएगी बच जाएगी और हरियाणा की बात करा तो भाई हरियाणा की गेम सारा है कब कौन है हमने अच्छा मोदी मोदी की जानो मोदी मोदी की जा रही है राम राम जी राम 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 शुभ राम जी जगन्नाथ जगन्नाथ आपका नाम का तो अमल्ले बरेवड़ा है रेड़ा सर है ना हां अच्छा अब चुनाव है कि देखो देश का प्रधानमंत्री का तीसरी बार मोदी जी बनेंगे भाई लोग तो करें इसे मतलब इसके ध्यान में देखो या विपक्ष या के करा था कुछ नहीं काम कुछ तो ठीक करे हमें मोदी ने बात ऐसा गरीबा राशन देने लग रहा और तो आयुष्मान कार्ड आला लगा ले और लगा ले तो बेनिफिट होगा गरीब आदमी ने बेनिफिट तो क्या हो सर इसे ले जिस तरह दवाई से 20,000 की वो अगला बनाओ 40,000 एक बात समझ ले फायदा उनका सर या बनी थी अंकल जी या नो का दवाई जो है ना 20,000 की वो डॉक्टर पहले 40 की बना दी है नो चेक में मेरा मार तो फ्री में बनया चागला कितने लेंदा हो अगले तेरे सरकार दे दी होगी मारा काम फ्री में बनया और फिर ये बालक थे पहले गल गल हंडी रंदे रिस पतली कुछ किसा बालक को लागया नहीं बिना रिस पतल लाग रही बालक नौकरी आपके गांव के कई लगे हमारा गांव के 3-4 लाग रही है क्या मैं पुलिस में लग गया फौज में भी लग गया है अच्छा 15-15 लाख की सुनी है ना 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 गलत बात गलत 15-15 का ये गलत वो पहले ही लग गया हूँ कोई पीछा को लग गया पहले किस तरह लग गया पहले तो ले भाई कोई आपको समझ को कर भी दें दो और छोड़ भी हो जाती है ना आपकी जिस तरह भाई सिफारिश लगा ले सिफारिश के थोड़ा मोटा ईब न्यू समझ आपने जिसने जिन्हें पढ़ाई करा की है या पूरा वो करा के उसको सक्सेस हो जो मतलब लागे वो पढ़नी है बालक तैयारी करनी है हाँ बिल्कुल तैयारी करनी लागे इसमें कोई संदेह को नहीं तो जो मतलब बीजेपी निष्पक्ष भर्ती बात करे वा रियल टाइम सच्चाई में हाँ ठीक हाँ कुल कुल मिला के सही सही है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल पक्का पक्का लोग लिख की चढ़ना लोग की लिख तो इसा क्या कर दिया तो राशन फ्री मिला गैस सिलेंडर ये उज्ज्वला के तहत फ्री दिया पहले कौन मिला करता लाइन लग गई सिलेंडर कौन मिला करता बढ़िया बढ़िया आयुष्मान से इलाज डाल का फ्री हूँ एक 500-400 रुपया लेके किसी भी अस्पताल में चला जाओ और कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो तो
वो तो सारा दिन इसका नौकरी से बिना किम खर्चे वो उसके लागे मेहनत करनी है मतलब घटा घट नौकरी लग गया है आज जिसने पढ़ लिया है वो बच्चे कोई छानबीन को नहीं पढ़ाई सही होनी चाहिए। 1970 टाई कश्मीर में वो बहुत बढ़िया काम था, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर वाले बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी इसकी जगह तो फिर चाहिए कोई मंदिर की जगह, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बनवा दे यार, मंदिर की जरूरत है ना, मंदिर भी बहुत जरूरी है, मंदिर भी बहुत जरूरी है। हिंदुओं की आस्था तो इसमें थी, वो आस्था कामयाब रखी। एम्स की वादिर शिला रख दी रिवाड़ी में भी पिछले दिनों, वो भी बनाओ है, ये भी काम जरूरी था। राम राम भाई साहब। हाँ भाई, राम राम। शुभ नाम भाई? सुनील कुमार। सुनील, हाँ सुनील भाई, चुनाव है ये तो नुक मोदी आवा भाई, पक्का आओगे? पक्का आओगे। हाँ। ईशो के कर दियो तो ईशो बुझ जाए ना, तू के कर दियो, इतना तो ज्ञान नहीं कोनी यार। अच्छा यार, विपक्ष है केले भाई, ठीक है भाई साहब, विपक्ष आओ भाई, विपक्ष में कमी सही कोनी जीते, सही कोनी। हां तू सारी पार्टी इकट्ठी हो लेंगे, अर्चित कौन मारते सुनील? ना 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 भाई, ई भी जमींदार धरने बैठे, इनका लठ लागण मारे बेचारा के। जमींदार है तो नू ही लागे, जमींदार तो बेपार, जमींदार कोई नहीं उनमें, जमींदार जमींदार के घरे काम करे अपने। अच्छा हां, बकवास लग रहे हैं। हाँ सब बकवास है ये। जी सरकार हरियाणा में बीजेपी की आओगी? हरियाणा में बीजेपी की आओगी बिल्कुल 100%। 100% 100% पर आप पर ले टिकट तो जा गया? नहीं 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 जा गया, ये भी आ रहेगी हैं, ये कहीं आ भी आ रहेगी, किरण हार जाएगी, हार जाएगी पक्का। ये बात किरण ना तो काम करवाए हैं? नहीं कुछ नहीं करवाए, नाम नाम किरण है और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो बदला काटा कर दी खिलाफ वाला जमिया। अच्छा इतना बड़ा काम था? इतना बड़ा, अरे दस थी आप वोट गेरा करता इतना तो, या तो 87 मंदिर में ना राजनीतिक जागरूकता भी आई है, के बाद में जनता ने वोट देने से अपने आप गिर लिया करते, हर बूथ पर अपने इनका गांव चला करता। अच्छा नुके भाई धोल पोशी होया कर देगा? बिल्कुल होया करते, नहीं रहे नहीं रहे सीधा करते, किसी धोल वो घने तकड़े सीधा करते, गरीब आदमी जीना आराम कर दिया करते, वही वो बात नहीं रही है। ये पहले आपने बताओ बड़े चढ़े मारे बुढ़े की दुकान थी और सिद्धांत मास्टर लुहाने था कि उसका हाथ जला गया था बूढ़ा आदमी का, ये बैठे से पूछ लेता है, इतनी दहशत थी भाई, कोई मतलब है कोनी, मतलब है कोनी, कोई टेंशन कोनी, कोई टेंशन, ये तो लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही, सरकार आने के बाद में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। राम राज आ गए, राम राम बोल, राम राम जी भाई, नाम जी सत्यवान। तो MP चुनाव है अब सर के ऊपर? हाँ हाँ। क्या लगा है प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, विपक्ष सारा इकट्ठा रहा जी है, विपक्ष सारा इकट्ठा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, विपक्ष इकट्ठा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा प्रत्याशी बनेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल 100% होगा। और आप पर ली सीट वाली विधानसभा की है? किरण गढ़ है तो किरण का वो कैंडिडेट आने के ऊपर निर्भर कर रहा है। अच्छा हाँ ना, गड़े मन तो टूटता लगता नहीं, सारी बातें होती हैं। मान लो या कोई युवा लड़का मान लो यहाँ आ गया तो शाम के लिए कोई खर्च किरण हर्ष कार्ड, वो तो समय मौके के ऊपर समय बताएगा, समय बताएगा। अच्छा हाँ राम राम जी, बोलो जी। मैं तो एक छोटी सी बात, एक किस्सा वाला बना था, MP चुनाव है। हाँ जी MP चुनाव प्रधानमंत्री कौन? अच्छा जी आना चाहिए मोदी, कारण मारे लिए तो कभी कर गरीबा खातर की कर, एक तो फ्री राशन आन लग रहा है, हाँ मारे लिए तो करया है, एक मोदी तो एक और रिक्वेस्ट करनी है जी। हाँ हाँ वहाँ सुने, बताओ बताओ, मारे प्लाट होने चाहिए, प्लाट कौन मिल रहे ना। अच्छा हाँ कॉलोनी कटाया करो, कॉलोनी कटाया करो, हमारा नाम कटाया गया, प्लाट कौन मिल रहे और मिले कौन ही नहीं। अच्छा हाँ नाम आ गया था, नाम आ लिया था लेकिन पाछे बेरा कौन, किस तरह की दिक्कत हुई बीच में कौन कोई मन ने कौन बेरा बीच वाला कौन था ये लगा जी तो नगा मोदी आवा के तीसरी बार आओगा भाई, मोदी ने सा की कर दिया था तीसरी बार, तुम तक क्यों विश्वास करेगी, विश्वास काम बढ़िया कर रहे हैं, गरीबा खातर क्या कर दिया, गरीबा खातर गढ़ाए कर दिया और क्या करेगा।
गणाए कर रखा है। के कर दे कादी बात तो बताओ भाई, यो काम कर दिया यो हमन मिला है यो अभी सुख से है। कोटा फ्री मिलना रहा है, कोटे में चीनी तेल मिला है। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम गुरु जी। सुबह सिंह। सुबह सिंह। तो एमपी चुनाव सर को ऊपर है के लागा प्रधानमंत्री को मोदी आओगा कारण मोदी देश बेचारा कैसा है, नहीं तो दे बर्बाद हो जाए। डुकडुकी बजाओ हम मदारी हजार दुकर है। मदारी कोई नहीं, एक नंबर का है। अरे शायद जिंदगी में आ नहीं सका है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ है? झूठ बोलते हैं सब। अच्छा हाँ जी, ठीक आदमी है। ठीक है बिल्कुल। नहीं ये किसान धरना बैठे हैं भैया। हाँ ये किसान धरना बैठे किसान बैठे रहेंगे। किसान सही कोई नहीं, किसान सही कोई नहीं। हाँ जो देश ने बचाने ला रहा है। ये भी राम मंदिर बना है, उद्घाटन हुआ है। इस तरह से कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी बना ना, ना बहुत बड़ी है। राम मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ लुवाणी गाँव में हॉस्पिटल खोला है, हॉस्पिटल खोला मोदी ने खुलवाया। बताओ ये देखो, हम तो गए नहीं हैं, खुलवाया मोदी ने है। लेकिन क्यों फ्री खुलवाया गया है? पैसे नहीं हो तो भी हमने जाना पड़ा है। कोई आ रही बीमारी जो भी कुछ हो जाए, एक मिनट में जाके रिक्वेस्ट कर, इतने तो हमारे नज़दीक हो जाए। मान ले कल हमने दवाई पी ली, फांसी खा ली, एक मिनट में जाके मेरा समाधान हो जाए हमारा। और बयानी पूछाएंगे इतने तो जी ली कर लेगा। ठीक बात। तो जरूरी है मोदी। हाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी आओगी। हरियाणा में बीजेपी आओगी। हाँ गारंटी है। गारंटी है, गारंटी। तो 400 पार की कहे मोदी जी, तो 400 पार की हो जाएगा मोदी का। 400 पार सीट, 400 के 500 ताई हो जाएगा। अच्छा हरियाणा में आ जाएगी बीजेपी। 500 किसान बैठे हैं धरना बंगल जी। अब सरकार तो लठ मारा, आप नुको हो जाएगा सरकार? खालिस्तानी समर्थक है, किसान नहीं है। पंजाब था कि हरियाणा का वोट रोकने का क्या, तो हरियाणा का कोई किसान नहीं है। कोई कोई इनके साथ में मिले हैं तो वो भी कांग्रेस ही समर्थक है। अच्छा हाँ। अच्छा ये मतलब जमींदार किसान नहीं है? ये किसान नहीं है, किसान है तो हरियाणा किसानों को SYL का पानी जो उसमें सपोर्ट करो, ये उसमें सहायता करते नहीं, तलवारों से काट देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वो किसान, किसान के पास तलवार नहीं होती। किसान किसान हित की बात करता है, उग्रवाद नहीं करता। मोदी जाना भी? हाँ जाना है। ठीक आदमी है? हाँ जी खूब बढ़िया। हमने तो यही सरकार चाहिए। यही सरकार चाहिए? हाँ यही चाहिए। तो मोदी ने सा के कर दिया तो मेरी पिल्सण करवा रखी। अच्छा 3000 रुपए ले। हाँ और मना राशन देने लग रहा। अच्छा हाँ फ्री में? फ्री में। हाँ तो गरीब आदमी का मौज करती है। असलवास मरेटा तो बोला हम। अच्छा अच्छा बात नो है, जो किसान धरना धर रहे हैं वो उनका तो है जायज, लेकिन ये उग्रवाद जो चल रहा है ना भाई, फूकना और करना, आम पब्लिक को परेशानी है, इससे हर आदमी परेशान है, इससे किसानों से लोग नाराज हैं। किसान की अक्की लड़ाई से हुआ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस फूक देना, वो फूक देना या रोड जाम कर देना, इसे आम पब्लिक परेशान है। तो क्या जब नहीं करना चाहिए? जब जो जायज बात है सीधे मोदी से मिलो या जिससे भी मिलना है, जो हमारी मांग है जायज से जायज जाके करो, लेकिन ज्यादा जनता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पंजाब हरियाणा छोटा भाई बतावा है तो SYL का पानी नहीं मिला। पंजाब हरियाणा तो एक ही था पहले, वो तो बाद में बटिया ना। SYL का पानी नहीं आएगा क्योंकि तीनों लाल कहते कहते चले गए। ठीक है SYL का पानी का लाने का कोई भी मुद्दा नहीं, कोई नया तक लाया न आएगा, ये तो मुद्दा ही छोड़ दो, क्योंकि हमने बचपन से जब से देखा ना SYL का पानी का मुद्दा आज तक किसी से समाधान हुआ ही नहीं और न होगा, होगा भी नहीं, क्योंकि बंसी लाल ने भी ये कहा था SYL का पानी लाऊंगा, और भजन लाल ने, देवी लाल ने, सब ने कह लिया, और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी कह लिया, जबकि उसकी वहाँ पर रिश्तेदारी भी थी। लेकिन SYL का मुद्दा है खाली, इसका पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा। और तो इस किसान आंदोलन का MP चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं देखो कोई भी उग्रवाद छिड़ता है या कुछ भी छिड़ता है, चुनाव पे तो फर्क पड़ता ही है, फर्क पड़ता है। बाकी सब लोग है, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। मतलब किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जायज से जायज लड़ो, न कि ये उग्रवाद करके लड़ो। ये मोदी आ सके, मोदी आ सके हैं, आ सके, क्योंकि दुनिया की लहर बनी हुई है। मोदी ने मतलब लोगों की अब नौकरियां लगा दी, गांव में हर गांव में 5-10 बच्चे नौकरी लगा दिए। पीछे देखे लगे होंगे? नहीं नहीं पैसे देके नहीं लगे आज तो? पैसे देके कोई नहीं लगे, जो बच्चा पढ़ता है जिसने मेहनत करी है वो बच्चा लग गया। इसमें कोई मतलब जाति पाति का सवाल नहीं है, किसका कोई सवाल नहीं है, ये वही लगेगा जिसने मेहनत करा। वो तो पहले भी मेहनत ना पहले पैसे लगते थे,
कोई भी लगे हुआ पहले भाई रिश्वत चलिया करती है, अब रिश्वत नहीं चलती। अच्छा हाँ, ये देखा गरीबों के बालक लग रहे हैं। आपका कौन सा गांव? मेरा गांव वाणीखेड़ा है। वाणीखेड़ा आपके गांव का लागे है? हमारे गांव के लागे है, भी पांच छह बालक लागे हैं। अच्छा हाँ, पहले पुलिस में भी लागे थे, सारे लागे बालक वो मैं पढ़नी है बालक, मतलब पैसे नहीं लगे किसी के भी, मैंने जिसने करी वो लगया है, निष्पक्ष लड़ाई है, ये सच्चाई है कि बच्चे वही लगते हैं जो मेहनत करते हैं। लेकिन कोई भी काम ढंग से करो, मतलब उग्रवाद तरीके से नहीं होना चाहिए, सारे भाई हैं सामाजिक, अपना सारा हिसाब किताब बैठ के करो बस। और जी तो नौके हैं जो बालक लग गए नहीं, सरकार में निष्पक्ष भर्ती तो लग गए? बिल्कुल लग गए जी, मैं 15-15 लाख की सुनी थी। ना जी बिल्कुल कौन लग गए जी, एक पैसा नहीं लगता जी, फर्स्ट क्लास लगे हैं बंदे, जेन्युइन लगे हैं सब, खट्टर सरकार बढ़िया है जी। पहले नहीं जी, पैसा में लग गया करता बेना के सिफारिश लग गया करती बड़ी बड़ी, अपने मन में आती उस तरह लगाया करता। तो तीसरी बार क्या हरियाणा में दोबारा? तो बिल्कुल आओगा जी, बीजेपी सरकार आओगी, इसमें कोई दो राय को नहीं। और 400 पार का जो मोदी जी का नारा है, हाँ वो भी होगा पूरा, अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया तो हो जाओ जी, क्या फर्क पड़े है, मोदी साहब की लहर है, आओ हाँ 410-425 भी आ जाए, 30 भी आ जाए जी, कोई जरूरी थोड़ी है। ऐसा क्या कर दिया था मोदी जी? मोदी जी काम करे जी, नो कौन जी, बाहर से एक विदेशा में डंका बाजे मोदी जी का। अब ये किसान धरना बैठे हैं, इनके भी तो लठ मारना रही है सरकार। देखो वो तो इनका आपस का मामला है, मोदी जी जिस तरह भी है बैठ कर समझौता करेंगे किस तरह कर... अपना लुहारू है जी, प्रॉपर प्रॉपर लुहारू। हाँ जी, आपके तो विधायक कृषि मंत्री जेपी दलाल? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम करे जी हमारा। अच्छा एक नंबर का? हाँ जी बढ़िया, वोट पड़ेगा जी, और उसमें दो राय को नहीं, और बताओ मंत्री फिर बनेगा ये तो? अच्छा हाँ फिर बनेगा मंत्री, ठीक है जी बिल्कुल।